दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के बारे में बताऊंगा, यानी कि प्रत्येक के नाम से आपको परिचित कराऊंगा और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके साथ साथ उसका फाउंडर कौन है और उसकी स्थापना कब हुई थी, इन सब को भी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला है एमकेट इंटीग्रल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो एक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस कंपनी की स्थापना राजीव कुमार बपना के द्वारा जनवरी 1986 को की गई थी। तो इस प्रकार राजीव कुमार बपना इस कंपनी के फाउंडर हुए और इसके साथ साथ इस कंपनी के सीईओ भी राजीव कुमार बपना ही है। और दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में BEL बेल भी कह सकते हो, जो एक इंडियन स्टेट ओन्ड यानी कि सरकारी एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इस कंपनी की स्थापना 1954 को हुई थी और इसका प्रेजेंट में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MV गौतमा है। तीसरा है BPL लिमिटेड, जो एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इस कंपनी की स्थापना 1963 को पालकाड केरल में हुआ था। और चौथा है सेलकॉन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको ज़्यादातर लोग सेलकॉन के नाम से ही जानते हैं, जो एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है और इस कंपनी की स्थापना 2009 को हुई थी। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में ECIL भी कह सकते हो, जो एक इंडियन गवर्नमेंट इंटरप्राइज है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इस कंपनी की स्थापना AS राव के द्वारा 1967 को की गई थी। और छठा है गोदरेज समूह, जो एक इंडियन कन्ग्लोमरेट कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इस कंपनी की स्थापना 1897 को आरदेसिर गोदरेज एंड पीरोज साद बरजोरजी गोदरेज के द्वारा की गई थी। सातवां है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इस कंपनी की स्थापना शिव नादर के द्वारा 11 अगस्त 1926 को की गई थी। और आठवां है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, जो एक इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इस कंपनी की स्थापना कीमत राय गुप्ता के द्वारा 1958 को की गई थी। नौवां है आईबॉल, जो एक इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और यह कंपनी मोबाइल फ़ोन का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इस कंपनी की स्थापना 2001 को हुई थी। और दसवां है इंटेक्स टेक्नोलॉजीज कंपनी, जो एक इंडियन स्मार्टफोन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस कंपनी की स्थापना नरेंद्र बंसल के द्वारा 1996 को की गई थी। ग्यारहवां है कार्बन मोबाइल्स, जो एक इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस कंपनी की स्थापना सुधीर हसीजा एंड प्रदीप जैन के द्वारा 2009 को की गई थी। और बारहवां है बीटेल टेलीटेक लिमिटेड, जो एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है एंड यह 2014 से ब्राइट स्टार टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर अपने सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुँचा रही है। तेरहवा है माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, जो एक इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है और इस कंपनी की स्थापना 29 मार्च 2000 को हुई थी। और चौदहवा है नोशन इंक डिजाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इस कंपनी की स्थापना 2009 को की गई थी। पंद्रहवा है ओनिडा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एप्लीकेशंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यह कंपनी मोबाइल फ़ोन का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1981 को मिस्टर GL मीरचंदानी एंड मिस्टर विजय मनसुखानी के द्वारा किया गया था। और सोलहवा है सूर्या रोशनी लिमिटेड, जो एक इंडियन मल्टीनेशनल फैंस स्टील लाइटिंग LED किचन अप्लायंसेज एंड PVC पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इस कंपनी की स्थापना 1973 को
बीडी अग्रवाल के द्वारा किया गया था। 17वां है सिमट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर लिमिटेड, जो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इस कंपनी की स्थापना इंद्रजीत सभरवाल के द्वारा 1992 को की गई थी और इस कंपनी का अभी प्रेजेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर इंद्रजीत सभरवाल ही है। और 18वां है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक इंडियन डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इस कंपनी की स्थापना अनिल अग्रवाल के द्वारा 1988 को की गई थी। 19वां है वोल्टास लिमिटेड, जो एक इंडियन होम अप्लायंसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और यह कंपनी एयर कंडीशनिंग एंड कूलिंग टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त की हुई है और इस कंपनी की स्थापना 1954 को की गई थी। और 20वां है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक इंडियन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इस कंपनी की स्थापना वेणुगोपाल धूत के द्वारा की गई थी। 21वां है वीडियोटेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसकी स्थापना 1984 को की गई थी और इस कंपनी का प्रेजेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर विनय बजाज है। और 22वां है विप्रो, दोस्तों विप्रो को तो आप जानते ही होंगे कि यह एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इस कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद हाशिम प्रेमजी के द्वारा किया गया था। 23वां है लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इस कंपनी की स्थापना हरिओम राय, सुनील भल्ला, शैलेंद्र नाथ राय एंड विशाल सहगल के द्वारा 2009 को की गई थी। और 24वां है जोलो, जो एक इंडियन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इस कंपनी की स्थापना 2012 को की गई थी और यह एक सब्सिडरी कंपनी है लावा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का। और दोस्तों 25वां है स्पाइस डिजिटल लिमिटेड, जो एक इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है और यह कंपनी मोबाइल फ़ोन का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इस कंपनी की स्थापना 2000 को भूपेंद्र कुमार मोदी के द्वारा किया गया था। दोस्तों अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कंपनी के बारे में बताया हूं, वे सभी कंपनी का स्टेटस अभी एक्टिव है या डिफंक्ट हो चुकी है, यानी कि कंपनी अभी चल रही है या बंद हो चुकी है। हालांकि मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कंपनी के बारे में बताया हूँ, वे सभी कंपनी का स्टेटस अभी एक्टिव है, लेकिन आप कैसे किसी भी कंपनी के स्टेटस को चेक सकते हो, मैं इसको बता देना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको MCA के वेबसाइट पर जाना होगा, जिस वेबसाइट का URL है www.mca.gov.in। दोस्तों पहले आप यह जान लीजिए कि MCA क्या है। तो MCA का पूरा नाम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, जो एक इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 1956, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड 2016 एंड कुछ रूल और रेगुलेशन आता है। और इसका जिम्मेदारी है पूरे देश भर में इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर में सभी स्थापित इंटरप्राइज पर नियंत्रण के लिए नज़र रखना। तो दोस्तों अब चलिए किसी भी कंपनी के स्टेटस को चेकना सीखते हैं। तो इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन में उपस्थित क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और वहाँ पर MCA के वेबसाइट का URL को इंटर करके क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद MCA सर्विसेज पर क्लिक कीजिए, फिर मास्टर डेटा पर क्लिक कीजिए और फिर व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा पर क्लिक कीजिए। और अब आप जिस भी कंपनी का स्टेटस चेकना चाहते हो, उस कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में कंपनी SIN कहा जाता है, उसको यहाँ पर इस बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर दोस्तों आप कंपनी का SIN नहीं जानते हैं तो उसको जानने के लिए ऊपर वाले बॉक्स में कंपनी का नाम इंटर कीजिए। इसके लिए आपको इस सर्च आइकन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं कर दे रहा हूँ। और अब यहाँ पर आप उस कंपनी का नेम इंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं कर दे रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ वीडियोटेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का स्टेटस, तो मैं सर्च पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वीडियोटेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गया और इसका कंपनी ID
या कंपनी सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। और अब दोस्तों इस कैरेक्टर को, कैप्चा को नीचे वाले बॉक्स में इंटर कर दीजिए। मैं इस कैप्चा को चेंज कर दे रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों मैं अब चेंज कर दिया हूँ दूसरा, और इसको इंटर कर दे रहा हूँ। आई ओ वी ई सी टी सबमिट। तो अब आपको फाइनली इस इंटरफेस पर कंपनी का मास्टर डेटा दिख गया, जिसमें कंपनी सीन लिखा हुआ है, कंपनी नेम लिखा हुआ है, वीडियो टेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे नहीं थोड़ा नीचे आइए, मैं जूम करके बता दे रहा हूँ कि कंपनी स्टेटस फॉर ई फाइलिंग एक्टिव लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी अभी एक्टिव है। अगर एक्टिव के जगह डिफंक्ट लिखी होती तो इसका मतलब यह है कि कंपनी बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है, यानी कि कंपनी अभी चल रही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपनी के स्टेटस को चेक सकते हो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इस चैनल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके।